कितना नाश्ता लेके आई है देखिए, चाय लेके आई है। चुप हो जा। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइज आप सब कैसे हो कमेंट में जरूर बताना। गाइज मेरे यहाँ पे चोट भी लग गई है, तो गाइज आप सब कैसे हो कमेंट में जरूर बताना। गाइज आज आ रही रीनी की फ्रेंड, तो गाइज आते ही मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। फिर गाइज आज रात को हम कहीं जाएंगे, तो आप वहाँ का भी देखना हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज ये तो अचानक हमारे पास फ़ोन आया था कि आज रात को मतलब जहाँ भी रीनी की कोई फ्रेंड है उसके वहाँ जाना है, तो उस हिसाब में कोई प्लान नहीं था। तो गाइज लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि उसका फ़ोन आया है, बार बार फ़ोन आ रहा है, इस वजह से हमें जाना पड़ेगा। गाइज तो मिलते आपसे, उसकी फ्रेंड आ जा रहा है, वो रस्ते में वहाँ पर आ ही रही है। गाइज तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे वो आती है। ओके गाइज ये पहले मेकअप कर रही है, बनाई नहीं, नहीं फ्रेंड आई आज हमारे घर। और क्या सच में बना रही थे हम लोग, नीनी तेरी नाश्ता लेने गई है। गाइज अब ये थोड़ी देर फोन चलाएंगी, फोन में क्या चलाओगे। तो गाइज नीनी लेके आ रही है अब नाश्ता। लिया रही तेरे तेरी दोस्त इंतजार कर रही है नाश्ता का। बगरी है बगी जा रही है। कितना नाश्ता लेके आई है देखिए, चाय लेके आई। चुप हो जा। आ तेरी यही आएगी, तेरी यही लैंग बदतमीज हो गई। गाइस ये बहुत ज्यादा, गाइस बहुत ज्यादा बदतमीज हो रही है। तू आई गई बड़े बदतमीज हो रही है। दोनों देख ट्रैक सूट पहन रखे, दोनों देख मैच हो रही है। एक और देख वहां, देख यहाँ नाश्ता रख रही है, वहां तो वो बैठी है। ये यूपी में गई है ना, चाय पी रही हूँ, चाय आई है अभी जस्ट। दीदी तुझे याद कर रही थी, जल्दी आ, फरवरी में आ रही है ना, जल्दी आ जा। शाबाश बेटा, यहाँ की चाय तो पी ला थे और क्या बता दे, है तो नंबर एक चूड़ी ना, एक नंबर चूड़ी सामने वाली गली में है तो। सही कह रही, चल आज चाय पी ला, मजा आवे। तू और के तू कैमरा लेन में मजा आवा, मैंने पता नहीं क्यों गज्जक खाओ गज्जक। आटा आ लिया, आटा चारों दिखाई, पर वो सुंदर लग रही है तू आज, तेरी अंगूठी अच्छी लग रही है सब ज्यादा। बहुत परेशान में तबीयत, बहुत ज्यादा खराब है, अच्छी में तबीयत खराब मेरी। बस स्टैंड तो गई, नाश्ता खाने आई थी, नाश्ता खाने जा रही है, जा रही सच में जा रही है, है? सच बता जा रही है क्या बताना। नीनी की फ्रेंड जा चुकी है और मैं लगा रही सीढ़ियों पे झाड़ू, क्योंकि नीनी नाश्ते में झाड़ू नहीं लगाई थी यहाँ से, तो मैं लगा रही हूँ गाइस झाड़ू। अब शाम को आप देख रहे हो कि मैं रेडी हो गया, आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रही, तो गाइस हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में, तो आपको वहीं जाके हम मिलेंगे। तो गाइस मैंने तो अपना ट्रैक सूट पहना, नीचे अपनी पहनी नई जूती और मेरे नए चूड़े जो मैं पहन के अभी अभी जस्ट लेके आई थी कुछ दिनों में ही, जब मैं गई थी ना मार्केट जब भी लेके आई थी। तो गाइस हम जा रहे हैं, आपको वहीं जाके मिलेंगे। अब गाइस खाना बना रही थी, लाल मेरे पापा का खाना बना रही हूँ, पापा खाना बना के फिर मैं और नीनी जा रहे हैं, फिर आपको हम वहीं जाके मिलाएंगे। रास्ते में यार भीड़ बढ़ा, कोई हाथ में से फ़ोन ले गया, तो हम जा रही है हमारे गिफ्ट है, पापा जा रहे हैं छोड़ने के लिए, मैं तो टैक्सी में पहना है। आ जल्दी आ जल्दी, हाँ सही आती कर रही है, यहाँ से उड़ना पटेकल तो ये घूम रही, हम आ चुके हैं पटेकल की मम्मी, मेरे मम्मी जस्ट जस्ट अभी अभी आए हैं। आंटी को नमस्ते की तूने कर ली, छिड़क ली राधा रानी। अच्छा राधा रानी काटो के एक पेड़ देगी देगी।
तो मैंने बोल दी यार, और यहाँ कितनी देर बोलते आ ली तो काटो हैप्पी बर्थडे तू तुम्हारा म्यूजिक पे को ब्रेक है वो दे दे प्रीति की गिफ्ट खाले खाले मीठा दूध मैं खा तो बाय बाय घर नीचे सो गाइस हम जा रहे हैं अपने घर। अब गाइस और ये बना रही है सुबह सुबह दाल के पराठे क्योंकि मेरे जैसे मैं वहाँ से आई थी ना अपने तो मतलब बर्थडे पार्टी से, तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी और मेरा पेन स्टार्ट हो गया था बैक का। इस वजह से गाइस मैं आगे व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई और ना ही सुन पाई। मैं तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी व्लॉग को, मतलब सोचा ना फ़ोन को हाथ छूने की भी हिम्मत नहीं बनी थी। तो गाइस अब मॉर्निंग में लेट उठी थी क्योंकि मेरी तबीयत रात को ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से गाइस मैं उठ रही थी और सर्दी लग गई है, इस वजह से शायद तबीयत ख़राब होगी। क्योंकि गाइस बाइक पर गई थी मैं रात को उसके नीने के साथ, गाइस मैं जा भी नहीं रही थी, मेरी तबीयत पहले ही ख़राब थी और हो गई है अब। और तो गाइस कोई बात नहीं, जब तबीयत तो जल्द ठीक हो जाएगी, दवाई वाई तो ले ली मैंने। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग गाइस जितनी कुछ अच्छा ही लाऊंगी गाइस मैं आपके लिए। और जो जो गाइस जिसके लिए क्वेरी आ रही है ना मेरे ब्लॉग के लिए, जो भी मुझे आगे के लिए सूट करना है, तो गाइस कुछ कुछ ना मेरे पास कमेंट भी आए थे कि आप ना विंटर कलेक्शन सूट दिखाओ। तो गाइज मेरी ना तबीयत ख़राब हो रही है, वजह से मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो मैं जाती हूँ तो मैं आपको पक्का दिखाती हूँ विंटर कलेक्शन की भी और विद द प्राइस। तो सबका कमेंट ये था कि आप प्राइस भी बताओ, क्योंकि इंस्टा पे मैसेज आ जाते हैं जिनको मेरी इंस्टा आईडी पता रहती है ना मन से गुजरी, तो गाइज वो ना वहाँ पर जाके मेरे को कमेंट कर देते, मतलब बता देते कि दादी लव सूटों के प्राइस वगैरह ये सब। तो गाइज इसके लिए मैं अलग ब्लॉग शूट करूँगी अगर मेरे को टाइम मिलेगा, जब मैं ज़रूर जाऊँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी विद प्राइस और विद विंटर कलेक्शन विद समर और विद जो भी मतलब हमारे ऑर्गेन्जा वगैरह जो भी है प्योर, जो भी रेट रहेंगे जो भी डिस्काउंट वगैरह सब बताया जाएगा। ठीक है गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय बाय।